नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर शहर के अलग अलग निजी स्कूलों के क्लास 9वीं और 11वीं में कुल मिलाकर 2000 से भी ज्यादा बच्चों के फेल होने की बात सामने आई थी। बच्चों का इतनी बड़ी संख्या में फेल होने के मुख्य कारणों में जो बातें सामने आई थी उनमें स्कूल के टीचरों द्वारा स्कूल में बच्चों पर ध्यान न देकर अपने ट्यूशन क्लास के बच्चों पर विशेष ध्यान देना और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के उत्तर को ट्यूशन में बच्चों को उपलब्ध करा देना, स्कूल में टीचरों का क्लास व विषयवार योग्यता है कि नहीं इस पर सवाल उठता है। जिन स्कूलों में बच्चों को रीटेस्ट का मौका देने पर फैसला नहीं हो पाया था उनमें हिलटॉप स्कूल, टेलको, तारापुर स्कूल, एग्रीको, नरबेराम हंसराज इंग्लिश स्कूल, बिष्टपुर और एडियल सनशाइन स्कूल कदमा था। जमशेदपुर अभिभावक संघ लगातार इन स्कूलों में बच्चों को रीटेस्ट मौका देने के लिए लगातार आंदोलन करता रहा और अब इन चार स्कूलों के प्रबंधकों ने ये अपने स्कूलों के बच्चों को रीटेस्ट देने का मौका दे दिया है। बच्चों को रीटेस्ट का मौका दिलवाने में अनुमंडल पदाधिकारी पारुल सिंह दालुम, जिला शिक्षा अधीक्षक व जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी सिंहुम का सार्थक सहयोग रहा है। जमशेदपुर के निजी स्कूलों में क्लास 9 और 11 में कुल मिला के 2000 से ऊपर की संख्या में बच्चे फेल किए गए थे। इस संबंध में जमशेदपुर अभिभावक संघ ने बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ इस लड़ाई को लड़ी थी कि बच्चों को रीटेस्ट का मौका दिया जाए और अधिकतर स्कूलों में मामले सॉर्ट आउट हो गए थे, लेकिन चार स्कूल्स जिसमें हिलटॉप स्कूल, तारापुर एग्रीको, नरबेराम हंसराज स्कूल और एडियल सनशाइन का मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है पुनः बात करके मामले को सॉर्ट आउट कर दिया गया है और सभी बच्चों को जो है इन चारों स्कूलों में 15 से 16 दिन का समय देके उनको रीटेस्ट में IPR होने का मौका दिया गया है। जमशेदपुर अभिभावक संघ इस लड़ाई में जिला प्रशासन के अधिकारी, SDO मैम, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक का जो सार्थक सहयोग मिला हम लोगों को, हम जमशेदपुर अभिभावक संघ आज अभिभावकों के साथ SDO मैम को सम्मानित करने आया है कि उनका सार्थक जो सहयोग मिला था आगे भी हमें मिलता रहे, ये हम कामना करते हैं और उनको साधुवाद भी देते हैं और इसके साथ साथ हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को भी सम्मानित करेंगे। अभी जा रहे हैं।